नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक सुर्खियों में बने रहते हैं। संन्यास के बाद एक बार फिर से विदेशी क्रिकेट लीग से वापसी करने जा रहे कार्तिक ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। कार्तिक के इस खुलासे ने एक बार फिर से उन्हें चर्चा में ला दिया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद कार्तिक जहां एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, वहीं कमेंट्री में भी जमकर नाम बना रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने 2013 में घटी एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम त्रिकोणीय सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर थी, जहां तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया थी। कार्तिक ने कहा कि इस दौरे पर एक रात कमरे में उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई थी और वे काफी डरा हुआ महसूस रहे थे। उनके आंखों के सामने से कुछ गुजरा था, लेकिन वे बता नहीं सकते कि आखिर उन्हें देखा क्या। वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। कार्तिक के इस खुलासे से हर कोई हैरान है। बता दें कि उस सीरीज में भारतीय टीम विजयी रही थी। आईपीएल 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका T20 लीग 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे। वे पर्ल रॉयल्स के लिए खेलेंगे। साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेलने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे। संन्यास के बाद दिनेश बतौर कमेंटेटर काफी सक्रिय हैं। बात क्रिकेट करियर की करें तो कार्तिक ने 26 टेस्ट में 1025, 94 वनडे में 1752 और 60 T20 में 686 रन बनाए हैं। वहीं आईपीएल की 257 मैचों में वे 4852 रन बना चुके हैं। 2004 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले दिनेश अपने लंबे करियर में कभी भी टीम में अपना स्थान पक्का नहीं कर पाए थे। दिनेश ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 विश्व कप 2022 में खेला था। उसके बाद से वे कभी वे भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके। आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया था।